प्रॉपर्टीज है तुम्हारे पास? मेरे डैड के पास तो इतनी है कि पूरा वीक लग जाएगा तुम्हें दिखाते दिखाते। तुम बिल्कुल नहीं बदले यार, जैसे बचपन में देखा अभी भी वैसी हो तुम। बचपन में मुझे याद है स्कूल में तुम हमेशा कुछ यू नो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें पहनकर आती थी और उसे दिखा दिखा कर इतराती रहती थी। बहुत टाइम हो गया वैसे, पर हाँ मुझे ये सब अच्छे से याद है। चलो फिर यूटर्न ले लूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास इतने प्रॉपर्टीज हैं, हमारे आबा के पास तो है नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना आगे जाकर। घुमा लूँ वैसे तुम्हारे लिए, यू नो कोई अमीर ज़्यादा यू नो कुछ उस तरह का लड़का चाहिए तो आई कैन हेल्प यू। मेरे पास ना ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी अमीर हैं, बता देना मुझे। चिढ़ गए? अरे तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो पैसे और प्रॉपर्टीज जमा करता रहता है? प्लीज यार, ये प्रॉपर्टी और पैसे की बातें सुन सुन के ना अपने डैड से मैं बोर हो चुकी हूँ। वैसे अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम ऑलमोस्ट पूरे कृष्णावती के मालिक हो। तब भी शो ऑफ नहीं किया और ना ही एटीट्यूड दिखाया, अभी भी तुम वैसे ही हो, मस्त एंड सिंपल। तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? किस टाइप की लड़की मतलब? अरे लड़कियों को भी किसी टाइप में ढाला जाता है क्या? अब तुम इतना इनोसेंट भी मत बनो। तुमने कभी किसी से सुना नहीं है क्या, ये मेरे टाइप की नहीं, ये मेरे टाइप की है? तो तुम कैसे टाइप की लड़की चाहते हो? किसी को अल्ट्रा मॉडर्न चाहिए, किसी को छुई मुई टाइप चाहिए, और कुछ तो कहते हैं कि लड़की है ना बस चल जाएगी। तुम्हें किस टाइप की लड़की चाहिए? यार तुम ऐसे बोल रहे हो, पता नहीं आज तक मेरे कुछ एक डजन अफेयर्स हो चुके होंगे। बाबा डजन ऐसे ही एक तो हुआ होगा, अब इतने भी बुरे नहीं दिखते हो। अरे बताओ ना आर्यन। अरे पूर्वा आई डोंट नो यार, या किस टाइप की लड़की। जो बात बात पर बहस करे और किसी भी बात पर हार ना माने कभी, और उसके पास ना हर चीज का हर बात का जवाब हो, और उसके साथ एक बार बात करना शुरू कर दो ना तो रोकने का मन ही ना करे कभी। अच्छा ऐसी लड़की तो मैं हूँ, बात बात पे बहस करती हूँ, बहुत सारी बातें करती हूँ, और हाँ पलट के तुम्हें हर बात का जवाब भी देती हूँ। बस दिल की साफ, बस छुई मुई टाइप का लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर वो लड़की प्रॉब्लम में हो तो किसी सफेद घोड़े पे किसी राजकुमार की इंतजार करने के टाइप हो, मुझे नहीं चाहिए। यू नो व्हाट आर्यन, मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, किसी भी सफेद घोड़े पर किसी राजकुमार का इंतजार नहीं कर रही मैं। यार थोड़ी सी ना पागल टाइप से, थोड़ी सी स्टूपिड टाइप होते ना वो मुझे पसंद है, जो बिना सोचे बस दरवाजा खोलो पानी फेंको, देखो ही मत कि कौन आया, ऐसे टाइप्स मुझे पसंद। स्टूपिड कहा तुमने मुझे? बुरा लगा? चलो कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हें कितना कुछ सुनाती हूँ, आगे बोलो। ज्यादा कुछ नहीं, इसके बाद सिर्फ वो लड़की सिर्फ थोड़ी सी सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपने अपने डिसीजंस खुद ले सके, बस इतना ही। इतनी सारी बातें तुम्हें पसंद है मेरे बारे में, तो आर्यन विद्याधर राव कहीं तुम्हें मैं तो नहीं पसंद आने लग गई? हेलो लो आईक्यू, तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो ना। सोचना भी मत कि तुम मुझे पसंद हो। ओके ओके, मैंने कब कहा कि तुम मुझे अभी से पसंद करना शुरू करो, वो भी इतना जल्दी? और ये तुम पीछे देखे किससे बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ बैठी हूँ तुम्हारे पास। यशवंत चिमा जी,
ये क्या हुआ तुलसी ताई को? इस तरह महान जी के नाम से क्यों चिल्ला रहे? यशवंत चिमा जी! तुम्हारे होते हुए वो ढोंगी महंत मेरी बेटी पर अत्याचार कर रहा है और तुम खामोश खड़े हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो याद रखना, अरे या वो मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब तो क्या था वो? मैं बस ऐसे इन जनरल सबके बारे में बात कर रहा था। इट्स ओके, अगर तुम कहते कि यू लाइक मी तो मैं समझ जाती कि तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है, जो तुम्हारे दिल में होता है वही तुम्हारे जुबान पर भी होता है। अब ये टाइप वाली बातें छोड़ो, एक्चुअली मैं बहुत डिफरेंट हूँ। वैसे भी हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंडशिप में तुम मुझे थोड़ा बहुत कंसेशन तो दे ही दोगे। पारु यहाँ नहीं है फिर भी वही नजर आ रही है। What's wrong with me? What is going on? ऐसा क्यों है? आर्यन क्या कर रहे हो? आगे देख के चलाओ, एक्सीडेंट करवाओगे क्या? अरे कंसेशन मत दो, पर इतना गुस्सा भी मत करो। आर्यन सही सलामत घर पहुंचाओगे ना? हाँ, sorry, हाँ, टेंशन मत लो तुम, अच्छे से जला तुम्हें गाड़ी। सॉरी। अरे इतना ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो? अब इतने इनोसेंट भी मत बनो। क्या कभी किसी लड़की ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा ना, क्यों नहीं पकड़ा? I mean, पकड़ा नहीं ना, नहीं पकड़ा यार। झूठ मत बोलो, आराध्या ने भी नहीं। यार अभी आराध्या कहाँ से आ गई बीच में? ऐसे ही जैसे मैं टपक पड़ी बरसों बाद तुम्हारी लाइफ में, मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती। लेट्स गो। कहाँ है वो यशवंत चिमा जी? ए देवदास जी, तमीज से नाम लो महंत जी का। तमीज मत सिखाओ मुझे, ये बताओ तुम्हारा महंत कहाँ है? इतना महान हो गया वो कि एक मासूम बच्ची को सजा देगा? महंत जी को जिसे सजा देनी थी उन्होंने दे दी। अब तुम चुपचाप घर जाओ और इंतजार करो, वरना तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। हटो यहाँ से, वरना अशुद्ध कर दोगी। अशुद्ध होने का इतना ही डर है तो पता कहाँ है वो महंत? वरना तुम्हारी सारी पूजा विधि भंग कर दोगी। कलश को हाथ मत लगाना, जाकर देख लो जंगल में कहीं ध्यान लगा कर बैठे होंगे महंत जी। ध्यान रखना, महंत जी की साधना भंग करने का नतीजा तुम्हारी बेटी से भी बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें, याद रखना। डरती नहीं हूँ मैं उस आदमी से। अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी को ध्यान से तो क्या, समाधि से भी निकालूंगी मैं, समझे? जय हो बांके बिहारी नाचे बनवारी ताता थिया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वामित्र और मेनका की कहानी इस कलयुग में दोहराएगी ये मजली ताता थिया? हैं? अरे बेटा तू बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा तुझे। बेटे वाह, इतनी भूख भी लग रही है मुझे, सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे, हर तरफ धुआं ही धुआं है यहाँ पे। तो मैं तुझे पाताल से भी ढूंढ के निकालूंगी, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ। काट गया ये चुपा, इतना धोखा हो गया यहाँ पे, सांस नहीं ली जा रही। कोई रास्ता दिखा दे कृष्णा, कोई रास्ता दिखा दे। कोई है?
खुर्शीद को तो बड़ा कर पाए ना, तो तू यहाँ से निकल सकती है। कोई नुकीला पत्थर ढूंढ। देशमुख, जब आर्यन पैदा हुआ ना, तुम्हारी मुझे हुआ करती थी। हाँ, तो आर्यन को गोद में ले लेते, बस मूछों से खेलना शुरू कर देता। बैठो बैठो। और फिर ऐसे जोर से मूछों को खींचता, वो बड़ा दर्द करता। फिर हमने सोचा, चलो हमारे पोते को मूछें पसंद नहीं है, मुंडवा दी मूछें। क्या बात है सर, बराबर सर। सच कहूं ना तो हमने भी अपनी जिंदगी में हमारी प्यारी लाडली बेटी पूर्वा के लिए बहुत बदलाव किए। मूछे तो नहीं मुड़वाई ना। प्रद्युम्न विद्याधर राव। नमस्कार सरपंच। रहने दे तेरा नमस्कार, तुझे अंदर किसने आने दिया? किसी की हिम्मत है जो मुझे रोक सके सरपंच? तुझे क्या लगा मेरी नातिन को गायब करवा कर अपने पोते का रिश्ता जोड़ोगे? तो मैं ऐसा होने दूंगी प्रद्युम्न विद्याधर राव? 2 मिनट, 2 मिनट में तोड़वा सकते हो। रघु दामो, कहा तुम लोग, निकालो इसे बाहर यहाँ से। आप अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ जोड़ने आए हो इस घर में? आप जानते हैं इन्हें? आपने पता नहीं लगा है कि ये कैसा घर है, ये आदमी कैसा है? ये जो बैठा है ना यहाँ सिंहासन पर, प्रद्युम्न विद्याधर राव, इसकी कुंडली मेरे पास है। आजकल राहु केतु ठीक नहीं चल रहे इसके। सच का पिटारा खोल दूंगी ना तो सर पर पाव रखकर भागोगे यहाँ से। फिर उसके बाद एहसान मंद भी रहोगे कि कृष्णदासी कुमुदिनी ने आपकी बेटी को बचा लिया इस घर में आने से। रघु दामो, कहाँ तुम लोग? कोई छूकर तो देखे तो वही मचा दूंगी मैं यहाँ। मेरी नातिन कहाँ है रे सरपंच? अपनी नातिन के बारे में जानना चाहती है ना? जा महंत जी से जाके पूछ। किसने कहा था रे उसे कि महंत जी का अपमान करे? हैं? एक मिनट बस है, मुझे इससे कुछ बात करनी। अरे कहाँ इनके मुंह लग रहे हो देशमुख? नहीं आबा साहब, बोलने दीजिए मुझे। इतनी देर से सोच रहा था मैं, कौन है ये? हम जाके पहचान में आइए, देवदासी कुमोदिनी। सुन लिया? ये भी मुझे पहचानता है, कृष्णदासी कुमोदिनी। हाँ हाँ, पहचान लिया। आपके बहनोई राजा साहब के दरबार में अपने बाबा के साथ इसका नाच देखा था कई बरसों पहले। ये वही है ना जिसकी वजह से आपकी बहन की नाक मौत हो गई? अरे इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। और अब आइए ये मुझे ये समझाने के लिए कि इस घर में रिश्ता करना कितना गलत है। अरे मैं तुम्हें बताऊं, तुम यहां मुझे क्या बताने आई हो? तुम मुझे यहां ये बताने आई हो ना कि आबा साहेब के पोते का तुम्हारी नातिन के साथ कोई खास रिश्ता? अरे ये सब तुम्हारी देवदासियों के पुराने पैतरे हैं, बड़े घर के लड़कों को फंसाने के। पर मैं तुम्हारे इस पैतरों के झांसे में नहीं आने वाला। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि तुम जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। ए नाचने वाली, फुदकने वाली कृष्णदासी देवदासी कुमुदिनी, अब और अपमान करवाना बाकी रह गया क्या तेरा? हाँ,
चल जा महन जी के सामने जाके नाक रगड़ जा। देशमुख साहब, हम पर कीचड़ उछाल कर अच्छा नहीं किया तूने, बहुत पछताओगे तुम। अगर मेरी नातिन आराध्या को कुछ भी हुआ ना, इतना सा भी, तो तुम्हारी भी बेटी है, भूल मत। ऐसी दुख उठाएगी ना तेरी बेटी, भूलेगी नहीं वो। श्राप देकर जा रही हूं मैं आज, कृष्णदासी कुमुदिनी। सरपंच, नाक तो तू रगड़ेगा देख। वो देखेंगे, तू जाके पुलक पे ले जा, चल। सुई तो मैं चुभी थी, लेकिन तुम्हें लगा था कि ये मुंबई की चाय से तो बेटर नहीं है। आराम से मुंह जल जाएगा, आराम से, काफी गर्म। मैंने ऐसी चाय पहली बार पी है। कृष्णा आपके रॉक्स हाँ? आर्यन, तुमने पढ़ाई की पूना की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से और स्कूलिंग भी वहीं से की, तो फिर यहाँ क्यों लौटा है? कहीं ये चाय तो तुम्हें यहाँ नहीं ले आई? आई मीन लॉन्ग वेकेशन का प्लान है या फिर पुणे भी जाना है वापस? मुझे लगता है कि मैं यहाँ से वापस जाने के लिए आया हूँ। मैंने ना लोगों को गांव से शहर जाते हुए देखा, बट शहर से गांव कभी नहीं देखा। आई मीन हमारे स्कूल मेट्स को ही देख लो, कोई गांव गया है? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और अब्रॉड। तुम कहाँ सेटल होना चाहते, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएस? अब यहाँ कृष्णवती मेरे लिए आज है और यही मेरे लिए कल है। क्यों जाऊं मैं कृष्णवती को छोड़कर? अगर मैं अभी गा के कृष्णवती रॉक्स और यहाँ की जो चाय है वो रॉक्स। मन भर गया इतना जल्दी? मन तो नहीं भरा, बट जो सच है वो सच है। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये गांव में और इसकी खुली हवाएं, यहाँ पे 3-4 दिन रहना ठीक है, सेटल हो ना। मुंबई में देखो 24 घंटे पानी और बिजली आता है और वहाँ जैसे चाहे आप जी सकते, यहाँ पे लोगों की थोड़ी सोच अलग है। पता है, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। मुंबई में रहने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है यार। सारी जिंदगी पुणे में रही, यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि गांव का असली मजा क्या है। अब गांव में रहूंगी, यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी, तब जाके मेरी एजुकेशन का कोई मतलब बनता भी है ना। अब हमारी जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम, उनको लगता है कि गांव से दूर भागो। अब गांव में आके रहेंगे तब जाके यहाँ के प्रॉब्लम्स को समझेंगे ना, राइट? फिल्मों में क्या दिखाते हैं, हीरो आता है गांव, कहीं विदेश से NRI, फिर गांव के लिए काम करता है, बिजली लेकर आता है और पूरा गांव उसके लिए ताले बजाता है। यहाँ तक कि थिएटर में फिल्म देख के हम भी ताले बजाते हैं। हम गांव में रहकर यहाँ के बदलाव का हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? सोचने वाली बात है ना। आर्यन, मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? सॉरी, मुझे लगा तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाते, इसलिए मुझे भी तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। नो, वो मैं सॉरी,
मुझे कुछ याद आ गया था, सॉरी आई वाज लिटिल लॉस्ट। नो नो, वैसे तुमने मुझे कुछ हर्ट नहीं किया ऐसा कुछ। ओके, तुम यहाँ होते ना तो कहते यार तुम भी ना यार सच में 2 फुट के डायनासोर हो। यही जगह मिली थी तुम्हें लुका छुपी खेलने के लिए? चूहों का घर, चूहों को डरा दिया है ना बेचारों को। देखो कैसे तुम्हारा कड़वा खून पी के अंधे पड़े। हाँ यार अजीब बात है ना, ऐसी ऐसी हालत में भी मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम्हारे साथ बताए हुए वो सारे खट्टे मीठे पल, करेले से भी कड़वे पल, सारी बातें याद आ रही है मुझे। तुम्हें याद करके मुझे एक अजीब सी पॉजिटिविटी मिल रही है, हिम्मत मिल रही है आर्यन। बिल्कुल भी ताकत नहीं है लेकिन यहां से किसी भी तरह से मैं निकल के रहूंगी। चढ़ा रू थोड़ी सी और ताकत लगा देगी ना तो तू यहां से निकल पाएगी। हिम्मत रख। कोई है? कोई? कोई है? सबका कोई जानवर? कृष्णा कोई चीज तो नजर आया इस जंगल में, प्लीज मेरी मदद कर ले, किसी भी रूप में आ जा, बस 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 मेरी मदद कर ले। कसूर बेटी को सजा देकर तुम साधना करोगे, मोक्ष प्राप्त करोगे तो? अरे तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये ध्यान का ढोंग बंद करो चिमाजी और आंखें खोलो अपनी। खोलो आंखें। मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। बताओ चिमाजी कहां बेटियां? वरना जिस भगवान के ध्यान का ढोंग तुम कर रहे हो ना वही भगवान आके तुम्हें दंड देगा। आगे खोलो, बताओ कहां है राध्या? तुम्हारा ध्यान कैसे भंग करना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पहली बार नहीं देख रही हूँ तुम्हारा ये नाटक है। पहले भी तुमने ध्यान का ढोंग करके मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मेरी बेटी की करना चाहते हो? अरु तू भी पागल है, एक जानवर कैसे तेरी मदद करेगा? लेकिन आई कहती है
मुसीबत में हो तो कोई छोटी सी उम्मीद की किरण भी तुम्हारी मदद कर लेती है। कृष्णा कैसे भी करके आ जाते हैं बचाने के लिए। कृष्णा प्लीज मुझे बचा लो। तो तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे? ठीक है, मेनका ने भी विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, तो आज एक माँ अपनी बेटी के लिए तुझ जैसे ढोंगी को विवश कर दी। चाहिए? अरे तुम पागल हो, गाय से भी बात करते आ रही है, घटो तुम्हें सिंह मार देगी। अरे कुछ नहीं, कुछ बोलना चाहती है। कहाँ जा रही है तू? हाँ अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? अरे रुक बाबा, कुछ नहीं हुआ, टेंशन क्यों ले रही हो? अरे रुक जाओ आर्यन, आर्यन कृष्णा प्लीज, कृष्णा प्लीज बाबा, पास कर रहे हो आर्यन, प्लीज रुक आर्यन। हाँ कहीं लेकर जाना चाहती है, पैनिक मत कर। आर्यन आर्यन रुको, आर्यन आर्यन रुको, स्टॉप इट, आर्यन से डर लग रहा है आर्यन। और वैसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, चल कोशिश कर आर्यन।
रही थी नादिया तुम? हाँ नादिया,